like a light lighting up in the dark. You make it right. I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. हेलो गाइस, और मैं अभी यहाँ पे इस कैफ़े में आया हुआ था कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक सब्सक्राइबर मुझे पहचान लिया और वो आईटी से हैं और यहाँ पे रह करके गोवा में अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वर्क फ्रॉम होम का गोवा से। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रितेश और मैं गोवा में हूँ फ्रॉम लास्ट 7 डेज और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो जस्ट चिलिंग। तो कैसा एक्सपीरियंस हुआ बताइए, कैसा वाईफाई मिल रहा है और कैसे, वजह से आप बहुत लोग पहाड़ों से काम करते हैं, बहुत लोग बीचेस से काम करना पसंद करते हैं वर्क फ्रॉम होम, तो यहाँ पे वाईफाई कैसा मिल रहा है, खाने पीना कैसा, जस्ट कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस। वाईफाई इट्स वेरी इजी एक्चुअली, कोई भी कैफे में आप अगर जाते हो तो वाईफाई इजीली मिल जाता है। अच्छा, देर आर सम चांसेस वेर इन के कुछ म्यूजिक चल रहा है या मीटिंग अटेंड करना है, तो इन दैट केस यू मे नीड टू थिंक अबाउट इट, सो कैरी योर हेडफोन्स ऑलवेज एंड एंजॉय द वर्क फ्रॉम होम। और एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि चूज़ हॉस्टल इफ़ इट्स पॉसिबल वेन एवर, बिकॉज द रेट्स आर क्वाइट चीप। होल डे यू कैन वर्क फ्रॉम एनी कैफे, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ ऑर्डर करना ही है, यू कैन यूज़ देयर वाईफाई, बीच के सामने बैठो आराम से और चिल करो, और हॉस्टल में यू कैन गो देयर एनी टाइम जस्ट फॉर स्लीप, सो इट्स नाइस एक्सपीरियंस एट ऑल। या तो ये वाईफाई का स्पीड हर जगह मिल जाता है? अच्छा, यस, अगर कैफ़े में जाएंगे तो फॉर श्योर मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ अभी कैफ़े में बैठे हैं तो स्पीड अच्छा है। इफ़ यू विल गो टू सम लोकल शॉप जहाँ पे टिपिकल ब्रेकफास्ट मिलता है, वहाँ वाईफाई नहीं होता, सो यू हैव टू चेक फर्स्ट वाईफाई है क्या सर, यू नीड टू आस्क द ओनर और समवन इफ देयर इज वाईफाई यू कैन यूज़ दैट कैफ़े। और ऐसा नहीं कि वाईफाई है तो रेट्स बहुत ज़्यादा है, इट्स गुड, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। तो वेल एक्चुअली मैं रुका हूँ होटल अंदाज में, जो कि एक हॉस्टल है एंड डॉम्स है एंड नॉन एसी है वो। एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर एसी बट एसी हॉस्टल मिला नहीं, सो मैं यहाँ रुका हूँ। एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट गुड, जो लोग हैं मोस्ट ऑफ देम आर लाइक डूइंग वर्क फ्रॉम होम लाइक मी, कुछ सोलो ट्रैवलर भी मिले। क्या चार्जेस लेंगे आप? जस्ट 200 रुपीज पर नाइट, बस एक बेड का, एक बेड का, नॉन एसी। अच्छा, और खाना पीना कैसा मिल रहा है, क्या पैसा लग रहा है पर डे, आपको एक्सपीरियंस क्या हो रहा है? आई एम सी फूड लवर, सो मैं प्रेफर करता हूँ मोस्टली फिश थाली या जो भी सी फूड की डिशेज है, लॉबस्टर या प्रॉन्स या जो भी है। अदरवाइज फॉर वेज, वेज में थाली सिस्टम भी होता है होटल्स में, इट कॉस्ट समवेयर फ्रॉम 100 to 150 एंड फॉर फिश इट कॉस्ट समवेयर फ्रॉम 150 to 300, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। और दे हैव चिकन एज वेल, यू कैन हैव चिकन इफ यू डोंट लाइक फिश। 100 से लेकर 300 तक का एक टाइम का खाना आता है? यस, 300 पर डे में आप सर्वाइव कर सकते हैं इजीली 300 पर डे खाना में सर्वाइव, 200 रुपया रहने का, मतलब 500 पर डे में आपका काम चल सकता है इजीली। और स्कूटी रेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा घूमना नहीं है, आपको तो काम करना है। यस, 10 to 7 तो काम ही करना है, उसके बाद कहाँ जाएंगे। और सैटरडे संडे को घूमते होंगे? यस, सैटरडे संडे मेरे प्लान फिक्स होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रुके हैं यहाँ पे, सो वी प्लान टुगेदर एंड देन हम लोग यहाँ घूमते हैं जो भी प्लेसेस है, कुछ सैटरडे संडे को सिर्फ आप स्कूटी रेंट पे ले लेते होंगे? ओनली सैटरडे संडे। अच्छा, यस। तो कुछ फ्रेंड्स बन गए। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा आप गोवा में वर्क फ्रॉम होम करके? ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं कहूँगा यू गेट सम न्यू पॉइंट ऑफ व्यूज, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग मिलते हैं कुछ अलग फील्ड से, वी थिंक दैट ऑलवेज लाइक कोई लैपटॉप लेके बैठा तो आईटी से ही होगा, बट दैट्स नॉट अ केस। अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, जैसे मुझे सर मिले, आई जस्ट रिकॉग्नाइज हिम वेरी लेट एक्चुअली, आई वॉज ऑब्जर्विंग हिम एंड देन आई गॉट टू नो के वही है जो मैं सोच रहा था। एंड जो वर्क फ्रॉम होम वाले लोग हैं उनसे आपको एक नया नज़रिया मिल सकता है टूवर्ड्स लाइफ। देर आर पीपल हु आर डूइंग परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, माइन इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, बट कुछ आपको कुछ नया जानकारी मिल सकता है। सो आई मस्ट से दैट एवरी वन मस्ट ट्राई एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ वर्क फ्रॉम होम, लेट्स से फॉर अ वीक एटलीस्ट।
कुछ नए दोस्त बनते हैं, कुछ और नए। हॉस्टल में रहने का तो कुछ फ़ायदा होता है ना, हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको नए दोस्त मिलते हैं। सो इफ़ यू आर टॉकेटिव पर्सन इट्स ईजी। इफ़ यू आर लेट्स से करियर ओरिएंटेड पर्सन, नॉट दैट मच टॉकेटिव, यू मे गेट सम न्यू पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट्स करियर एज वेल। इफ़ यू वॉन्ट टू, आई मीन इफ़ यू आर लाइक अ पर्सन फिलोसॉफिकल, यू विल गेट टू नो दैट टाइप ऑफ पर्सन एज वेल। सो इट डिपेंड्स, जस्ट से हाय एंड स्टार्ट द चैटिंग। मतलब यहाँ पे लोगों से, अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिलता है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है, यस। होटल में देर आर ग्रुप्स, दे आर इन्वॉल्व इन देयर ओन फ्रेंड सर्कल, सो वाई दे विल टॉक टू यू, सो दैट इज़ द ओनली केस। हॉस्टल में ऐसा नहीं होता, सब लोग अच्छे से बात करते आके, सो दैट्स वन एक्सपीरियंस। इट्स प्लेजर, अच्छा लगा एक्चुअली, इट्स प्लेजर। थैंक यू।